नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। खबर आ रही है बिहार के गया जिले से। बता दें कि जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 24 फरवरी के आगमन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, गुरुवा विधायक विनय यादव, जिला अध्यक्ष मुर्शीद आलम उर्फ निजाम मियां, शाहिद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 फरवरी को गया के गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस संबंध में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर हम तमाम कार्यकर्ताओं सहित तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने आगे कहा, नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन के मंत्रियों की जांच होगी तो तमाम कैबिनेट की भी जांच हो। वहीं उन्होंने पंजाब में किसान आंदोलन को भी लेकर कहा, अगर पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो बिहार के किसानों को पटना आना चाहिए, अगर वो पटना नहीं आएंगे तो उनका हक कैसे अधिकार उनको मिलेगा। 24x7 लाइव टीवी के लिए बिहार गया से संवाददाता सुरेश निखर की रिपोर्ट। चौबीस तारीख को बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में जो इलेक्शन होगा उसमें आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा तो बीजेपी काहे चल रहा है सगरों से गठबंधन कर, काहे सगरों रात दिन चल रहा है फलना के तोड़ ले चिन्ना के जोड़े ले, अकेले लड़े के दम खम है तो आवे ना, अकेले जिसको दम है वो आगे फरिया ले, औकात समझ में आ जाएगा। जिसको दम है, मैं चुनौती देता हूँ उसको, जिसको दम है आके लड़ ले, अकेले गठबंधन गठबंधन हटाइए, आइए लड़िए मैदान में, क्या आपके औकात और हैसियत को समझ में आ जाएगा। यात्रा पार्टी जोर से वरिष्ठ नेता का आदेश हुआ है कि हर जिला में जन विश्वास यात्रा प्रारंभ होगा, उसी के तहत हमारे नेता, हमारे लीडर माननीय तेजस्वी बाबू का आगमन होने जा रहा है और जन यात्रा में सबको शपथ दिलाया जाएगा कि विश्वास के साथ एक साथ खड़ा होगा और एक साथ आर पार के लड़ाई होगी और यह लड़ाई जो घोषणा होगा यह चुनाव तक चलेगा। और इस बार सबको जो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दमखम नहीं है तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता ही दल में दमखम है, बाकी सब हवा हवा है, क्योंकि इसके साथ जो महागठबंधन है वह अटूट महागठबंधन है, जीने मरने के साथ है। अब कुछ लोग गठबंधन बनाते हैं दिन में और रात में तोड़ देते हैं, रात के गठबंधन बनाते हैं दिन को तोड़ देते हैं, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमको उस पर कोई टिपा और टिप्पणी नहीं करना। हमारा एक लाइन जरूर कहना है कि किसी चीज़ का जांच हो तो फुल कैबिनेट के जांच हो, प्रतिशोध का जांच ना हो, पूरे कैबिनेट के जांच हो, चाहे उसमें मैं स्वयं क्यों ना, मैं भी उस दायरे में हूँ तो मेरा भी जांच होना चाहिए, उस दायरे में जितने कैबिनेट हैं सारे कैबिनेट के जांच होना चाहिए। ये तो है कि जब बीजेपी में हम मिल गए तो गंगा जल छीट लिए तो पवित्र हो गए, इससे थोड़ी काम चलेगा। हमारा तो कहना है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसका सत्ता और शासन है, वो सारे लोग किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी नहीं है तो गेहूं क्यों नहीं खरीदा है? अभी तक बोनस का घोषणा धान पर क्यों नहीं किया गया? क्या पैसा कमी है? कमी है तो इसको बतलाया क्यों नहीं गया? मैं तो कहता हूं कि विभाग में ऐसे 800 करोड़ रुपया ऐसे ही रखा हुआ है दीमक खा, उस पैसा का क्या यूटिलाइजेशन होगा? उसको क्यों नहीं सरकार आदेश देता है कि इस पैसा को बोनस में दिया जाएगा, इस पैसा से धान खरीदा जाएगा, किसान को दिया जाएगा, जिसको क्षतिपूर्ति है उसको दिया जाएगा? ये तो खाली एक सरकार चलाना एक ढोंग है, ठगना है,
मैं तो इसको ठग मानता हूँ, 100 में 100% ये ठग है। ठग है, नहीं ठग है तो दिल खोल के किसान को मदद की, दिल खोल के अखबार और टीवी में बयान दीजिए ये जो अमुक पैसा है ये चीज़ में एक खर्चा होगा, उसका फिक्स कर दीजिए उसमें, तब तो हम जाने कि किसान का सपोर्टर हैं, किसान विरोधी नहीं है। हमारा लगता है कि बिहार का किसान बहुत सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट, दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूँ क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी है। किसको आदेश दिया गेहूँ खरीदने के लिए? जो गेहूँ सब फेल कर गया, एक दाना भी गेहूँ के नहीं खरीदा गया किसान का, लास्ट में उन्हें पौने में किसान गेहूँ बेच दिया, इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है, सीधा है। आज जिस तरह से पंजाब का किसान चल दिया है दिल्ली की ओर, तो बिहार को भी किसान को चल देना चाहिए पटना की ओर। अगर नहीं जाता है तो उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। बाजार में जो धान है रेट और सरकार का रेट, दोनों को मिलवा लीजिए। गेहूँ क्यों नहीं खरीदाया? जो नहीं खरीदाया वह सरकार दोषी। किसको आदेश दिया गेहूँ खरीदने के लिए? जो गेहूँ ये सब फेल कर, एक दाना भी गेहूँ के नहीं खरीदा गया किसान का, लास्ट में उन्हें पौने में किसान गेहूँ बेच दिया, इसका कौन दोषी है? जो दोषी है उसको सामने लावे। इसलिए सारा दिल्ली का हो चाहे बिहार का हो, ये सब किसान विरोधी सरकार है। मैं इसको किसान विरोधी सरकार मानता हूँ। और जांच हो तो पूरे कैबिनेट के जांच हो, इसलिए कि कैबिनेट को उस पर मोहर लग गया है। जो भी स्कीम था उसमें सब कैबिनेट के मोहर लगा हुआ है, तो जब कैबिनेट के मोहर लग गया तो सरकार उसको पास कर दिया। इसलिए पूरे कैबिनेट में जो मंत्री थे सारे मंत्री का जाँच हो, उसमें चाहे मैं स्वयं क्यों रहूँ, मैं भी उस दायरे में आना चाहता हूँ। मेरा भी है अगर कोई घोटाला तो मेरा भी चार्ज। इसलिए सारे लोग को, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, कि आपको केस में हम उजरा देते हैं, आप केस में उजरा जाइए इधर, और तब तक ईडी चलावेंगे, सीबीआई भेजेंगे, ऐसे चुनाव करा देंगे। क्यों कर रहा है कि जाके गवर्नर से मिल रहा है लोग चुप्पे चुप्पे अंधारिया में? राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए। क्यों नहीं विधानसभा में इस बात पर चर्चा करा लेते? चर्चा कराइए और चर्चा करा के किसी चीज को सामने लाइए। चद्दर ओढ़ के नुका रहे हैं, अंदर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, इसे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए जो किसान विरोधी है उसको इस बार ज्ञान हो जाएगा, चुनाव के मैदान में सबक सिखा देगा बिहार का भी किसान और देश का भी किसान। क्या लगता है नीतीश जी को लेकर, राजद का शॉकनर अभी भी है? देखिए नीतीश जी हमारे अभिभावक है, सॉफ्ट करने कोई किसी के प्रति नहीं, हमारे अभिभावक है। तो अभिभावक है तो अभिभावक रहेंगे, पर हमारा एक लाइन करना है कि हम हो या कोई हो, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। कोई हो उसको, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। लालू प्रसाद विश्वास 24 तारीख को बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में जांच हो तो पूरे कैबिनेट के जांच हो, इसलिए कि कैबिनेट को उस पर मोहर लग गया है। जो भी स्कीम था उसमें सब कैबिनेट के मोहर लगा हुआ है, तो जब कैबिनेट के मोहर लग गया तो सरकार उसको पास कर दिया। इसलिए पूरे कैबिनेट में जो मंत्री थे सारे मंत्री का जांच हो, उसको चाहे मैं स्वयं क्यों, मैं भी उस दायरे में आना चाहता हूँ। मेरा भी है अगर कोई घोटाला तो मेरा भी जांच हो। सारे लोग को, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, कि आपको केस में हम उजरा देते हैं, आप केस में उजरा जाइए इधर, और तब तक ईडी चलावेंगे, सीबीआई भेजेंगे, ऐसे चुनाव करा देंगे। क्यों कर रहा है कि जाके गवर्नर से मिल रहा है लोग चुप्पे चुप्पे अंधारिया में? राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए।
सकते हैं। क्यों नहीं विधानसभा में इस बात पर चर्चा करा लेते, चर्चा कराइए और चर्चा करा के किसी चीज को सामने लाइए। चद्दर ओढ़ के नुका रहे हैं, अंदर अंदर पेड़ा खा रहे हैं, इसे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए जो किसान विरोधी है उसको इस बार ज्ञान हो जाएगा, चुनाव के मैदान में सबक सिखा देगा बिहार का भी किसान और देश का भी किसान। क्या लगता है नीतीश जी को लेकर कि राजद का शौक कॉर्नर अभी भी है? देखिए नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, शौक कॉर्नर कोई किसी के प्रति नहीं, हमारे अभिभावक हैं। तो अभिभावक है तो अभिभावक रहेंगे, पर हमारा एक लाइन करना है कि हम हो या कोई हो, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा।